तो गाइस एक शार्क वाली मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है द रेकिन। इसे देखने के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय देना पड़ता है और इसकी हिंदी डबिंग अच्छी की गई है और चाहे तो आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ भी गंदा नहीं है। 1-2 किस सीन आपको देखने को मिल जाएंगी। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया तो हो कि कहानी आखिरकार कहना क्या चाहती है। तो गाइस इसमें एक कपल को दिखाया गया है जिसकी बीवी ट्रोमा में रहती है, तो वह दोनों एक वेकेशन मनाने वियतनाम जाते हैं। रात को मस्त सो रहे होते हैं बीच किनारे और तभी खतरनाक तूफान आता है और घर के सहित उस समंदर में चले जाते हैं। वह दोनों समंदर में चले जाते हैं। पति हो चुका है घायल, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, समंदर ही समंदर दिख रहा है। तो वह दोनों कैसे सरवाइव करती हैं, जिंदा कैसे बचते हैं, और शार्क वार्क तो मिलेगा ही क्योंकि समंदर है, तो वह लोग कैसे बचते हैं और बच भी पाते हैं या नहीं बच पाते हैं, ये सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस यदि आपने शार्क पर बनी या सर्वाइवर थ्रिलर मूवी देखा होगा तो ये फिल्म आपको एवरेज सी लगेगी। हाँ यदि आप एक यंग ऑडियंस है तो फिल्म आपको अच्छी लगेगी, पर यदि आप एक प्रो ऑडियंस है तो फिल्म बस आपको ओके सा लगेगी, एवरेज वाली फीलिंग देगी। इसमें कुछ मोमेंट अच्छा है जो कि देखने में अच्छा लगता है, कुछ थ्रिल से भरा, कुछ एक्साइटमेंट से भरा, कुछ टेंशन से भरा माहौल को दिखाया गया है। जब थोड़ा बहुत जो शार्क हमला करती है, ज्यादा शार्क का हमला इसमें नहीं दिखाया गया, थोड़ा बहुत दिखाया गया है पर ठीक ठाक सा दिखाया गया है, और अच्छा से हमला को दिखा सकता था, किलिंग सीन को और अच्छा से दिखा सकता था पर किलिंग सीन को इतना अच्छा से नहीं दिखाया गया है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो जी हाँ, सभी ने बस ठीक ठाक सी एक्टिंग की है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो जो शार्क का VFX है वो बस काम चलाव है, तो ठीक ठाक प्रोडक्शन क्वालिटी है। उसमें सिनेमेटोग्राफी BGM सब आपको अच्छा सुनने को मिलता है, पर किलिंग सीन थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, यदि आप एक यंग ऑडियंस है, मतलब इस तरह का फिल्म आपने ज्यादा नहीं देखा होगा, तो इस फिल्म को देख सकते हैं, पर यदि आप एक प्रो ऑडियंस है, आपने इस टाइप का फिल्म बहुत बार देखा होगा, तो बस ये फिल्म आपको ओके सा लगेगी। तो प्रो ऑडियंस के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा, कुछ अच्छा देखने को नहीं है, तो प्रो ऑडियंस वाले इस फिल्म को देख सकते हैं, पर यंग ऑडियंस वाले जिसने इस फिल्म को ज्यादा नहीं देखा, इस टाइप का फिल्म को ज्यादा नहीं देखा है, वह देख सकते हैं, ठीक ठाक एंजॉयमेंट मिल जाएगा। और एक बार फिर से बोलूंगा, 1-2 किस सीन है तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।